أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्तगफिर वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मैयहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू वमैयुज़लिलहु फला हादिया लहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم इन्नका हमीदुम मजीद। सीना तान के टुरनाए आकड़ दे नाल सीना तान के टुरनाए आकड़ दे नाल कीता दौलत नशे खराब तैनूं तेरी दौलत आराम न लैन देंदी भुलिया कबर द सख्त अजाब तैनू मन रब्बू का कह के मारन गे गुरजा अगो आना नहीं जवाब तैनू फिर रोवेंगा वेख के अमाल नामा फिर रोवेंगा वेख के अमाल नामा जदो देना पवेगा हिसाब तैनू तेरा माल कमाया सब रह जाना है जदो अजल दा वजिया तीर तैनू नहला के कफन फिर पा देवनगे नहला के कफन फिर पा देवनगे अथी टोरनगे माँ प्यो तैनू हथी टोरनगे माँ प्यो तैनू बंदिया अज बंदगी रब दी कर ले दित्ती जिंदगी रब कदीर तैनू हर किस्म दी हमदो सना तारीफात की बरियाई बड़ाई खुदाई नफे नुकसान दा मालिक उला देन वाला ना देन वाला
इज्जत ज़िल्लत दा मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते अनगिनत ला तादाद बेशमार दुरुद व सलाम आकाए कायनात इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमाम कायनात इमामुल मुजाहिदीन नबियों के सरदार पैगंबरों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और जिंदा शेर दिल नौजवान साथियों पर्दे दे अंदर बैठ कर समात करने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों जड़ी आयत करीमा मैं तुसा हजरात दे सामने तिलावत कीती है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत दे अंदर की ऐलान कर रहे इस आयत दे अंदर अल्लाह ने खास ईमान वाले लोगों नू मुखातब किते बास मुकाम ते अल्लाह ने या अय्युहन नास दा लफ्ज बोले कि ऐ लोगो लेकिन इस जगह ते अल्लाह ने खास ईमान वाले मर्द ते औरतां नू मुखातब किते कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा ए ईमान वालो अल्लाह दे कोलो डर जाओ जिस तरीके उन्दे कोलो डरन दा हक है फिर वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून फिर तुहानू मौत आए तो इस हालत दे अंदर आए कि तुसी मुसलमान हो वो ईमान दी हालत दे अंदर मौत आए ए ना होए कि मौत ता चोरी करदियां भी मौत ने आ जाने मौत गुनाह करदियां मौत ने आ जाने मौत नहीं वेखदी ए अमीर है ए गरीब है मौत ए नहीं वेखदी ए छोटा है ए बड़ा है मौत ए नहीं वेखदी ए मर्द है ए औरत है मौत ए नहीं वेखदी कि पहले आ फलां आया हुण फलां ने जाना है मौत ए नहीं वेखदी क्योंकि अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है कि जदो तुहाडा मुकर्रर कीता गया वक्त आ जाएगा फिर एक कदम तुसी अग्गे चुक नहीं सकते एक कदम पीछे नहीं हट सकते दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक ने कुरान अंदर इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत मौत दा ज़ायका हर जान ने चखना ही चखना है मौत हर जान ते आ के रहनी रहनी है आ रमज़ान आए पता नहीं जिंदगी दे अंदर ये दोबारा रमज़ान आएगा कि नहीं आएगा चंद अयाम बाकी रह गए पता नहीं ए अयाम असी गुजारने ने कि नहीं गुजारने पता नहीं कि मैं इस जगह तो थल्ले उतरना है कि नहीं उतरना क्यों ना असी अपने गुनाहों तो तौबा कर लीए अपने रब को डर जाइए मुआफ़ी मांग लीए जेड़े गुनाह कर लेने अल्लाह कर लेने अल्लाह आज तो बाद मैं पक्की सच्ची तौबा कर रहा अल्लाह इन्हों गुनाहों के नेड़े नहीं जावांगा मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु सलाम दे सीने पाक ते नासल होने वाला कुरान ऐलान कर रहे कि वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान कि जेड़ा बंदा मेरे रब को गुनाहों की इस्तगफार कर लेंदा है मुआफ़ी मांग लेंदा है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नू दो जन्नतां अता करांगा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नू दो जन्नतां अता करांगा जेड़ा गुनाह करन तो बाद गुनाह ते डट नहीं जांदा बल्कि अपने रब कोलो इस्तगफार कर लैंदा है अपने रब दे कोलो मुआफ़ी मंग लैंदा है रो रो के दुआवां करदा है रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना ए रो रो के दुआवां करदा पे है अल्लाह मैं अपनी जान ते जुलम कर बैठी अल्लाह मैं ज़ियाती कर बैठी अल्लाह मैं जेड़े गुनाह किते ने मेरे गुनाहों नू मुआफ़ कर दे सही बुखारी दी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला नू इस हदीस दे रावी ने फरमाया कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मिज़ानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम ए सही बुखारी दी आखिरी हदीस है बड़ी प्यारी हदीस है अल्लाह दे पाक पैगंबर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानी खफीफतानी अलल्लिसानी सकीलतानी फिल्मिजानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि सुबहानल्लाहिल अजीम। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे कलमे ने जेड़े महबूब नू बड़े पसंद ने, जबान ते बड़े हल्के ने, वजन विच बड़े तराजू दे अंदर बड़े वजनी कलमे ने। फरमाया जेड़ा बंदा इन्हां जुमलियां नू पढ़ लैंदा, इन्हां कलमियां नू पढ़ लैंदा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कलमे सुबह दे वक्त 100 दफा पढ़ देना। पाप पैगंबर फरमाते ने, अगर समंदर दी झग दे बराबर भी सगीरा गुनाह होणगे, अल्लाह उन्हां गुनाहां नू मुआफ कर देवेगा, पर असी इन्हां दुआवां नू याद ही कदी नहीं कीता, इन्हां दुआवां नू पढ़िया ही नहीं। आ वेख सुन, नबी दाऊद दे अंदर हदीस मौजूद है, मेरे पाप पैगंबर फरमाते ने, जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह ला इलाह इल्लल्लाह ए दोवें कलमे 100-100 वारी पढ़दा, पाप पैगंबर फरमाते ने अल्लाह उन्दे समंदर दी झग दे बराबर गुनाहां नू माफ कर दिंदा। पर असी इन्हां दुआवां नू याद करिए के पढ़िए ते फिर ही गल बनेगी ना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नू ओ बंदा बड़ा पसंद है जेड़ा गुनाह करन तो बाद गुनाह ते डट नहीं जांदा, बल्कि अपने रब कोलो मुआफियां मंग लैंदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, अल्लाह नू ए बंदा बड़ा पसंद है जेड़ा गुनाह करन तो बाद गुनाहां ते डट नहीं जांदा, अपने रब कोलो मुआफ़ी मंग लैंदा ते अल्लाह उन्हूं मुआफ कर देंदे ने। ओए आजा बंदिया रब नू मना ले, अल्लाह दे नल प्यार पा ले, आजा बंदिया रब नू मना ले, अल्लाह दे नल प्यार पा ले, कर ले तौबा कर ले तौबा, एवें जिंदगी ना तू गाल, रब दे सिवा कोई नहीं दुख देवे जो डाल, ए दुनिया सारी फानी फानी हमेशा नहीं ओ रहनी जवानी, जेकर चंगे अमल कमावेंगा तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, रब दे सिवा कोई नहीं दुख देवे जो डाल, ए जवानी ते मान ना कीता करना, ए जवानी हमेशा नहीं रहनी, इस बरादरी ते मान ना कीता करना, ए बरादरी ने भी साथ नहीं देना, ए जवानी ने साथ नहीं देना, भैणा भरावां ने साथ नहीं देना, क्योंकि अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे ना, फरमाया यौमा यफिरुल मारो मिनही ही व उम्मी ही व अभी ही व साहिबत ही व बनी ही। एक वक्त आएगा माँ बाप छड़ जाएंगे, एक वक्त आएगा माँ बाप छड़ जाएंगे, भैणा भरा छड़ जाएंगे, बेली सज्जन छड़ जाएंगे ना, ये कोई चीज़ कम नहीं आनी। इस मौत दे आन तो पहला पहला अपने रब दे कोलो गिड़गड़ा के मुआफियां मंग लेना, दुआवां कीतियां करना, रब्बा ना आती ना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व किना अजाब नार।
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اے دعاواں کیتیاں کرنا اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ کر لے اللہ موت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ کر لینا موت آئے تے اس حالت دے اندر آئے کہ تسی ایمان والے ہوو موت آئے تے اس حالت دے اندر آئے کہ تسی مسلمان ہوو موت تے چوری کردیاں وی آ جانی ہے نا آ پچھلے دن ہی سوشل میڈیا تے انڈونیشیا دے امام ویکھے نا فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں نا پہلی رکعت مکمل کیتی ہے تے دوسری رکعت دے سجدے اندر گیا ہے نا تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے کیوں نہ موت آئے تے ایسی موت آئے نا قرآن پڑھدیاں موت آ جائے قرآن پڑھدیاں موت آ جائے نماز پڑھدیاں موت آ جائے او میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جدو بندہ فوت ہون لگدا ہے نا ایک بندہ آخری وقت ان دی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا ہے انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا تے میرے باپ پیغمبر فرماندے نے ادھر بندے دی روح نکل جائے گی تے بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا تے جیڑا بندہ میرے باپ پیغمبر نے فرمایا ہے ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ دے ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے تین دفعہ کو جڑا نا سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے سورہ فلق تے سورہ نحس پڑھ لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فرق ہے اے بندہ دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھدا رہے نا اے آیت الکرسی دا اہتمام کردا رہے نا میرے باپ پیغمبر فرماندے نے اے بندہ جدو دنیا تو رخصت ہوئے گا اے بھی جنت دا مہمان بن جائے گا پر اسی نماز دے نیڑے ہی نہیں آندے اسی قرآن دے نیڑے ہی نہیں آندے نا نمازاں ادھر مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح آؤ کامیابی والے آؤ فلا پا جاؤ گے اسی کہنے ہیں کہ ساڈی کامیابی ساڈے کاروبار دے اندر اسی سوچنے ہیں ساڈی کامیابی ساڈی دکان دے اندر ہے اسی سوچنے ہیں کہ ساڈی فلا جڑی ہے ساڈے بزنس دے اندر ہے نا نہیں میرے پاپ پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او بندہ ہی کامیاب ہے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او بندہ ہی کامیاب ہے نا اس واسطے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت موت دا ذائقہ تے ہر جان نے چکھنا ہی چکھنا ہے عربی دا شاعر کی کہندا ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر بابن کل نفس داخلوہا موت ایک ایسا پیالہ ہے جیڑا ہر جان نے پینا ہی پینا ہے قبر ایک ایسا دروازہ ہے نا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جندے وچو ہر جان نے گزرنا ہی گزرنا ہے نا پھر توں تے میں لوکاں دیاں موتاں تے ویکھ دے پیا ویکھو نا پچھلے دن ایک سوشل میڈیا تے ویڈیو چلی اے نوجوان ہے نا پتہ نہیں اینو نوجوان نو کہ میری موت دا وقت آ گیا ہے نا اینو پتہ ہوندا کہ میری موت دا وقت آ گیا ہے اے گھرو باہر افطاری دا سامان لین نہ نکلدا ان دے گلے تے ڈور پھر ان دی زندگی دی ڈور کٹی گئی اے نوجوان نو پتا نہیں او میرے آویرا میں بھی جوان تو بھی جوان ہے نا خدا را اپنی جوانی تے کنٹرول کر لئیے اے جوانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی میرے پاک پیغمبر جوان میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل شاب نشا فی عبادت اللہ جیڑا بندہ جوان جوانی وچ اللہ دی عبادت کردا ہے جیڑا بندہ جوانی دے وچ رمضان دے روزے رکھدا ہے رات نو اٹھ اٹھ کے قیام کردا ہے اپنے رب دے نال گلاں کردا ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو گرمی دی شدت ہوئے گی جدو لوگاں نو گٹیاں تکر پسینہ آ رہے ہوئے گا کئی بدبخت ایسے ہون گے اپنے پسینے دے
अंदर गोते खा रहे होंगे वो तो इस खुश नसीब लो बंदे नो मेरा अल्लाह बुलाएगा ते अपने अर्श दे साए थले खड़ा कर देवेगा, मेरा अल्लाह बुलाएगा ते अर्श दे साए थले खड़ा कर देवेगा। कुरान की ऐलान कर रेना फरमाया इक तारा बलिनास इसाब हुम, लोगो तुहाडा इसाब किताब बिल्कुल गरीब है, तुसी उस हिसाब तो गाफल जे लापरवाहियां वरत दे पै जे, तुहानू पता है कि मौत ने आ जाना है फिर भी गुनाहों तो तौबा नहीं करते पै। आ वेखो ना अल्लाह ने किडियां नेकियां वाला महीना सानू अता कर दिता, इनके अंदर अगर एक नेकी करांगे हदीस के अल्फाज ने अल्लाह 700 गुना ज्यादा कर देंगे, जे एक नफल पढ़ांगे अल्लाह एक फर्ज के बदले सवाब अता कर देंगे। एक कैसा रहमत वाला महीना है ना, शुरू शुरू के अंदर वेखिए ना सारिया मस्जिदां आबाद हो गई, मस्जिदां के अंदर जगह नहीं मिल रही नमाज पढ़न, लेकिन जिवें ही रमजान खत्म हो रहा है ना मस्जिदां के अंदर रौनक भी खत्म हो रही है। बस असी मुसलमान एक महीने दी मुसलमान आना ये नहीं होना चाहिए। और मेरे पाप पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं दो चीज़ा छड़ के जा रहा थोड़े अंदर, जिन्नी देर तुसी इन दोवें चीज़ा नो मजबूती दे नाल नहीं पकड़ोगे तुसी गुमराह नहीं होवोगे। फरमाया तरक तु फीकुम अमरैन लन तज़र लंतजिल्लुमा तमस्सक तुम भी किताबुल्लाही व सुन्नत रसूलही, मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ा छड़ के जा रहा एक अल्लाह की किताब है एक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, इन्हां दोवां चीज़ां नूं पकड़ लोगे ते तुसी गुमराह नहीं हो जाओगे। अज असी कुरान तो दूर हो गए, असी नमाज तो दूर हो गए, असी कुरान नूं पढ़िया ही नहीं दा ना कुरान नूं समझिए ना। अल्लाह ने कुरान जड़ा ना मोमिना वास्ते शिफा बनाया कुरान नो, ये अल्लाह ने कुरान मोमिना वास्ते शिफा बनाया ना। आ वेखो मेरे पाप पैगंबर दी बीवी मोमिना दी माँ है ना अम्मा जी ऐशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक दिन अग बाली है ते रो पईयां ने, आका फरमाते ने माँ युबकी का या ऐशा, ऐशा तेनू केड़ी चीज ने रवा छड़ी है। आका फरमाते ने ऐशा तेनू केड़ी चीज ने रवा छड़े ना, ये कौन है मोमिना दी माँ है जिन्ना दी पाक दामनी ते अल्लाह ने सूरह नूर दे अंदर 18 ऐता नाजल कर दिता, जिन्ना दे मेरे पाप पैगंबर दियाँ ये ओ बीवी है ना जेड़ी हरकत कर दियाँ ने ते तयम्मुम दियाँ ऐता नाजल हो जांदियाँ ने, ये ओ मोमिना दी माँ है ना ते अग बाली ते रो पईयां ने। आका फरमांदे ने माँ युब की का या ऐशा, ऐशा तू क्यों रो पई है तेनू केड़ी चीज़ ने रवा दिता ना, मोमिना दी माँ अम्मा जी ऐशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, आका जी मैं जहन्नम दी अग नू याद करके रो पईयां, ए मोमिना दी माँ है ना जिन्हां नू फिकर है ते आखरत दी फिकर है, जिन्हां नू सोच है ते आखरत दी सोच है। आ वेखो मेरे पाप पैगंबर दसियाबी है हजरत रबी रजी अल्लाह तआला अन्हो, ये मेरे पाप पैगंबर दसियाबी, मेरे पाप पैगंबर नू कदी कोई चीज लिया के देंदा है कदी कोई चीज लिया के देंदा है ना। आका फरमांदे ने सलमा शेता या रबी, ऐ रबी अज मंग लै जेड़ा कुछ मंगना ही मैं अल्लाह दे कोल तेनू लै के दे देंगा, मैं अल्लाह दे कोलो तेनू लै के दे देंगा। इंज नहीं फरमाया कि मेरे पाप पैगंबर ने कि रबी मंग लै मैं ता कर देंगा, जे अज साडे रंगा हुंदा ते सोचदा कि मेरा मकान बन जाए मैनू मेरी जायदाद मिल जाए मेरे कोल बैंक बैलेंस आ जाए मेरे कोल कोठी बंगले आ जान, ये मेरे पैगंबर दा सहाबी है इनू फिक्र है ते आखरत दी फिक्र है इनू सोच है ते आखरत दी सोच है ना। मेरे पाप पैगंबर दा सहाबी कहिंदा मैं अगर माल दा सवाल करा मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर 40-40 दिन अग नहीं बाल दी, जे मैं औलाद दा सवाल करा मेरे पैगंबर दे हत्थां ते अब्दुल्ला तैयब ताहिर 9 महीनों का 18 महीनों का बेटा इस दुनिया तो रुखसत हो गया है ना, क्यों ना मैं उस चीज़ का सवाल करा जेड़ी चीज़ मैनू कल क्यामत वाले दिन फायदा देवे।
आका जी लैके देना चाहते जे तो फिर जन्नत अपना गवांढ लैके दे दियो, जन्नत दे विच अपना गवांढ लैके दे दियो ना। ए मेरे पाप पैगंबर दे सियाबा आका फरमांदे ने रबी कसरत दे नाल कुरान दी तिलावत तू कीती कर, नफलो नवाफिल दे तमाम तू कीता करना, कल कियामत दा दिन होएगा मैं अल्लाह कोलो जन्नत दे अंदर तैनू अपना गवांढ लैके दे देंगा। ए मेरे पाप पैगंबर दे सियाबा जिन्हां नूं सोच ते फिकर ते आखरत दी फिकर है, सानू फिकर ते जमीना दी फिकर है, सानू फिकर ते जायदादां दी फिकर है, सानू फिकर ते बैंक बैलेंस दी फिकर है। ए सियाबा ने इन्हां नूं सोच ते आखरत दी सोच, इन्हां नूं फिकर ते नेकियां दी फिकर। मेरे पाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सियाबा मैनू दसो ते सही ना, मुफल कौन है, गरीब कौन है, कंगाल कौन है? अल्लाह दे पाक पैगंबर जी जिंदे कोल माल कोई नहीं, जिंदे कोल जायदाद कोई नहीं, कोठी बंगला कोई नहीं, ओ गरीब थे, ओ कंगाल है, ओ मुफलस है? नहीं, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा तुहाड़ियां नजरां विच ओ मुफलस है जिंदे कोल पैसा कोई नहीं, बैंक बैलेंस जायदाद कोठी गड्डी कोई नहीं। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम दियां नजरां विच ओ जड़ा ना मुफलस है, इधरों दुनिया ते नेकियां करदा रहा, जन्नत दे एक गिठ दे बराबर फर्क रह गया ना, इस दुनिया ते जुलम भी करदा रहा, इधरों पहली सफ विच नमाजा पढ़न वाला, उधरों भैणां ते हक खाण वाला, इधरों पहली सफ दा नमाजी, उधरों सूद दा कारोबार करन वाला, इधरों पहली सफ दा नमाजी, उधरों जड़ा ना लोगां ते जुलम करन वाला, ओ लोगां दियां इज्जतां नूं पमाल करन वाला। ओ मेरे पाप पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नासिल होने वाला कुरान की ऐलान कर रहना, फरमाया व इन्नमा तवफ्फौना उजूरकुम यौमल कियामती, कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह फिर बदले देंगे ते पूरे पूरे बदले दे देंगे। ये बंदा इन्ना करीब हो गया जन्नत दे, एक गिठ दा फासला रह गया ना। मेरे पाप पैगंबर फरमाते ने अल्लाह जो बदले देने शुरू कर देंगे ये बंदे आ जाएंगे, अल्लाह जुलम करता रहे साढ़े ते, अल्लाह साढ़े ते सियातियां करता रहे ना। और मेरे पाप पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इंदे गुनाह जड़े बंदियां दे इस नेकियां वाले बंदे नूं दे देंगे, इंदियां नेकियां चुके ते उन्हां नूं दे देंगे, इनू जहन्नम दा वारस बना देंगे। किसे ते जुलम ना कीता कर, किसे ते ज़्यादती ना कीती करना, ये जवानी हमेशा नहीं हो रहनी, ये अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त पकड़ी। इन्ना बात शरबी का लशदीद, लोगो मेरे अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त पकड़ जे, ये कबर दे अज़ाब नू याद कीता कर, कबर दियां सख्तियां नू याद कीता करना। शायर की कहंदा आतू पुली ना मिट्टी दियां टेरियां नू, तू पुली ना मिट्टी दियां टेरियां नू, डाडियां नी रातां ओ हनेरियां, याद कर वेला जदों मंजी उत्ते जावेंगा, फिर कदों मुड़ के तू वतना नू आवेंगा, जान तू भी प्यारे तेरा किवें दुख सहनंगे, सुन के ऐलान तेरा कई डिग पैनगे, भुली ना तू मिट्टी दियां टेरियां, डाडियां नी रातां ओ हनेरियां। कदी कब्रस्तान दे विचों गुजरिया ते कर वेख्या ते सही करना, आ ओ बंदा भी आए ना जिहड़ा अपने कपड़े ते मक्खी बहना गवारा नहीं करता सी, ये एनिया जमीना दा मालक है, ये एनिया जमीना दा मालक है। कबर दे अंदर पै बंदे की कहंदे ने ओए जरा नौजवाना संभल के
चालना। कभी असी भी जवान होंगे सदी असी भी अपनी जवानी ते माण करते सदी असी जमीन वाले होंगे सज जमीन के थले आ गए कभी असी चौधरी होंगे सज साडिया चुदराटा खत्म हो गई अज साडा फलां खत्म हो गया अज नाम खत्म हो गया अज हर चीज खत्म हो गई हो के मजबूर आखर तख्ते ते पाया ई उतार लो इस दे कपड़े आख सुनाया ई पाड़न पोशाक थाओ थाई फिर दे के गुसल गल विच कफनी चपाइया ले ओ वीरा तेरी अयोई कमाइया छोड़ के चले तैनू अज भैणा ते पाइया किसे भी साथ करना नहीं ये जवानी नू माण ना कीता कर इन्हां बरादरियां ते माण ना कीता करना अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहना फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसान मालहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा ओए अज तू ज़बान जड़ा ना एक गुनाह लुक के करना है मेरे रिश्तेदार ना वेख लैन अज मेरे मां बाप ते ना वेख लैन अज मैं गुनाह कर रहा किधरे मेरा बेली ते सज्जन नहीं वेखदा पिया ओ मेरे पाप पैगंबर दे सीने ते कुरान नाज़िल हो रहा फरमाया के बिअन्न रब्बका औहा लहा ये जमीन बोल बोल के दसेगी अल्लाह ने इत्थे जुलम किया अल्लाह ने इत्थे ज़ियाती की अल्लाह ने इत्थे चोरी की अल्लाह ने फलां जगह ते गीबत की अल्लाह फलां जगह ते इन्हें ऐ मनसूबा बनाया बेअन्न रब्बका औहा लहा ये जमीन बोल बोल के सब कुछ बाहर कढ देवेगी अगर रेत दे दाने जिन्नी रेत दे जर्रे बराबर भी नेकी की ते वह भी सामने आ जाएगी जे रेत दे जर्रे बराबर गुनाह की तई वो भी सामने आ जाएगा ना अज गुनाहों तो तौबा कर लै अज वक्त ही अपने रब को डर जा गिड़गड़ा के मुआफिया मंग लेना हदीसे कुदसी है मेरे पाप पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना लोगो मेरी रहमत मेरे गुस्से ते गालब आ गई है मेरी रहमत मेरे गुस्से ते गालब आ गई है ना मेरे कोलो मुआफियां मंग लो मैं अल्लाह तुहानू मुआफ कर देंगा मेरे कोलो मुआफी मंगो ते मैं अल्लाह तुहानू मुआफ कर देंगा फरमाया के तूबु इलल्लाही तौबतन नसूहा कि जेड़ा बंदा पक्की ते सच्ची तौबा कर लेंदा है मुआफी मंग लेंदा है अल्लाह उस बंदे नू मुआफ कर देंदा मुआफ नहीं करता बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दे गुनाहों नू नेकियां दे अंदर तब्दील करके जन्नत दा मेहमान बना दें इस वास्ते जिंदगी दा कोई पता नहीं अपने रब को गिड़गड़ा के मुआफियां मांग लईए मेरे पाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज पढ़न वाला अल्लाह दे पाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाजी है नमाज पढ़न वाला है ना जिक्रो अधिकार करन वाला है इंदा आखिरी वक्त आंदा है ना मेरे पाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंदे कोल फरिश्ता आके की कहंदा है या अय्या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजे इला रब्बी की राजिया तम मरजिया फद खुली फी इबादी वद खुली जन्नती ए नेक रू अपने रब वल्ले राजी हो के लौटा तेरा रब तेरे नाल मुलाकात करन दा इंतजार करदा पी है ना ये किनू कह रहे ने फरिश्ते कि जेड़ा दुनिया ते नमाज पढ़ता रहे कुरान पढ़ता रहे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके ते जिंदगी गुजारदा रहे
इंदे कोल फरिश्ते आ गए, आ के कहंदे ने ऐ नेक रूह अपने रब वल्ले राजी हो के लौटा, तेरा रब तेरे नाल मुलाकात करन दा इंतजार करदा पियाना। इस बंदे दी रूह परवाद हो गई, इंदी जड़ा ना रूह नू फरिश्तिया ने जंती टाट दे अंदर लपेट लिया, इंज आसमान वल्ले लैके जा रहे ने। पहला आसमान खुशबू दे नाल मुअत्तर हो गया, पहला आसमान खुशबू दे नाल भरिया गया ना। जदों आसमान दे दरवाजे ते दस्तखत देंदे ने, मन दक्का दिल बाब दरवाजे ते दस्तखत देन वाला को किन्नू लैके आए जे? ये फरिश्ते कहंदे ने ये फलां दा बाप है ते फलां दा भाई है, फलां दा बेटा है, ये नमाज़ां पढ़न वाला, ये कुरान पढ़न वाला सी, ये नेकियां करन वाला सीधा, ये नेक बंदा सी। मेरे पाप पैगंबर फरमांदे ने पहले आसमान दे दरवाजे खुल जाणगे, इवें दूसरे आसमान ते चले जाणगे, फिर तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान ते चले जाणगे। अल्लाह इस बंदे दी रूह नू इलिशीन दे अंदर दाखिल कर देंगे, फिर इनू मेरे पाप पैगंबर फरमाते ने नुला दुला दिता गया है ना, इनू कफन पहना दिता गया है ना, और इनू मेरे पाप पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनू नुलाया दुलाया गया है ना, इनू कबर दे अंदर इंदा जनाजा पढ़ाया गया, इनू कबर दे अंदर उतारिया गया है ना। इंदे सामने इवें सूरज जिवें ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮਨ ਨਬੀ ਉਹ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਜਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਦੀਨ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਨਬੀ ਉਹ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ। ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਦਾ ਕਾ ਤਬਦੀ, ਸਾਦਾ ਕਾ ਤਬਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਆ ਫਰਿਸ਼ ਮਿਨਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਫਤ ਉਲ ਬਾਬਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਮ ਕਨਉ ਮਤਿਲ ਉਰੂਸ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਜਗਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤਾਂ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਵਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਾਸਕ ਅਤੇ ਫਾਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਰੂਹ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
इन्हू जड़ा ना रूह नू फरिश्ते सुन्ने मार मार के जिसम दे विचो बाहर कढ़ लैणगे, इंज जहन्नमी टाड़ दे अंदर लपेट लैणगे, पहले आसमान वल्ले लैके जाणगे। ये सारा आसमान जड़ा ना बदबू दे नाल भरिया जाएगा। इंदी मेरे पाप पैगंबर ने फरमाया इंदी रूह जड़ा ना पहले आसमान तो थले सुट दिती जांदी है, इंज जमीन ते आसमान दे दरमियान इंदी रूह नू लटका दिता जांदा है। इनू नलाया दुलाया ते कफन पहनाया ते खबर दे अंदर उतार दिता है। इंदे कोलो भी फरिश्ते सवाल करते ने मर रब्बू का दास तेरा रब केड़ा है, ये कहंदा है कि हा हा ला आदरी मैनू ते कोई पता नहीं मेरा रब केड़ा है ना, हा हा ला आदरी मैनू कोई पता नहीं मेरा रब केड़ा है। और दुनिया ते 40 साल गुजार गया, 80 साल दी जिंदगी गुजार ली, आज कबर विच कह रहे कि हा हा ला आदरी मैनू ते अपने रब दा कोई पता नहीं, मां दीनू का दस तेरा दीन केड़ा है। ये कहंदा कि हा हा ला आदरी अज मैनू आदे दीन दा कोई पता नहीं। लोग कहंदे सन कि ईसाइयां दा दीन है, मम्मी कहंदा सन ईसाइयां दा दीन है, लोग कहंदे सन कि नसरानियां दा दीन है, मैं भी कहंदा सी इस नसरानियां दा दीन है, लोग कहंदे सन कि इस्लाम ही एक दीन है, मैं भी कहंदा सी इस्लाम ही दीन है, पर हा हा ला आदरी अज ते मैनू कोई पता नहीं मेरा दीन केड़ा है ना। ए बदबख्त दुनिया ते 40 साल गुजार गया, 80 साल गुजार गया, आज कबर विच कह रहे कि हा खा ला आदरी मैनू ते पता ही कोई नहीं मेरा दीन केड़ा। मन नबी यू का दस तेरा नबी केड़ा है, ये कहंदे कि हा खा ला आदरी अज मैनू कोई पता नहीं कि मेरा नबी केड़ा है। लोग कहंदे सन कि इब्राहिम नबी है, मैं भी कहंदा सा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी ने। लोग कहंदे सन कि मुहम्मद रसूलुल्लाह भी नबी है, मैं भी कहंदा सा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, पर आज मैनू कोई पता नहीं मेरा दीन नबी कौन है। हा हा ला आदरी मैनू कोई पता नहीं मेरा जड़ा नबी कौन है। ये दुनिया थे नमाज़ां पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता हुंदा, नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान नूं मानदा रहिंदा, अज पता हुंदा कि दीन कौन सी, पता हुंदा कि नबी कौन सी, पता हुंदा कि मेरा रब केड़ा है। अल्लाह पाक ने आवाज़ ला दिती काज़ाबा तबदी काज़ाबा तबदी, ए बेईमान झूठ बोलता पिया ना, आफरिशु मिनन नार इंदे वास्ते जहन्नम दा बिस्तर ला दियो ना, वफ्तउल बाबन नार इंदे वास्ते जड़ा ना जहन्नम दियां खिड़कियां नू खोल दियो, इंदी कबर नू तहद्दे निगाह तंग कर दियो, इंदी कबर नू तहद्दे निगाह तंग कर दियो। आ वेखो ना गर्मी आ रही है, अगर थोड़ी देर ही कमरे दे अंदरों लाइट चली जाए पखा बंद हो जाए कमरे दे विच जड़ा बैठा नहीं जांदा, ते ए कबर दे अंदर फिर जड़ी इंदी कबर नू तंग कर दिता जाएगा, कबर दे अंदर मुआमला किवें बनेगा। फरमाया कि मेरे पाप पैगंबर फरमाते ने इंदियां इधर वालियां पसलियां इधर ते इधर वालियां पसलियां इधर हो जाणगियां। ए बेईन बे नमाज इंज मेरे पाप पैगंबर ने दोवां हत्थां दियां उंगलां नूं मिला के फरमाया लोगो इंदी कबर इवें तंग कर दिती जाएगी, इधर वालियां पसलियां इधर ते इधर वालियां पसलियां इधर हो जाणगियां। अज वक्त है, अज वक्त है अपने रब कोलो गुनाहां दी इस्तगफार कर लईए, अपने रब कोलो रो रो के दुआवां करिए ना। अल्लाह जिहड़ा रमज़ान रह गए ना अल्लाह असीं तौबा करदे पए हां, अल्लाह सी जड़ा इल्तजावां करदे पए आ, अल्लाह तू साडियां दुआवां नूं कबूल कर लैना। अल्लाह मैं इस रमज़ान दे रोज़े भी रखांगा, अल्लाह मैं आज तो बाद गुनाह भी नहीं करांगा। मेरे पाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया भी है, आखिरी हदीस बयान करन लगियां। मेरे पाप पैगंबर दसिया भी साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हो, एक साद बिन अभी वकास ने, ए साद बिन मुआद ने जिन्ना दे चनाजे नाल आसमान
आसमान दे 70,000 नूरानी फरिश्ते उतरे ने, मेरे पाप पैगंबर ने खुद जनाजा पढ़ाया ना, ये ओ मेरे पैगंबर दा सियाबी है जिंदी वफात दी खबर सुन के रब दा अरश भी हरकत दे अंदर आ गया ना। मेरे पैगंबर ने खुद जनाजा पढ़ाया, मेरे पैगंबर ने खुद कबर दे अंदर उतारिया, मेरे पैगंबर दे सियाबा तमन्ना करते ने अज साडा जनाजा हुंदा, अज साध दी जगह ते साडी लाश हुंदी। मेरे पैगंबर इवें जनाजा पढ़ांदे, मेरे पैगंबर इवें रो रो के दुआवां करदे, और मेरे पाप पैगंबर दे सियाबा तमन्ना करदे पैणे। ये मेरे पैगंबर दा सियाबी साध बिन अबी साध बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला नो कबर दे अंदर उतार दिता ना। मेरे पैगंबर ने कबर दे उत्ते मिट्टी पा दिती है ना, कबर दे उत्ते मिट्टी पा दिती है। आका अलैहिस्सलातु सलाम कबर ते खड़े ने, अचानक पुकारन लग पैने, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे पाप पैगंबर दे सहाबा कहन लगे, अल्लाह दे पाप पैगंबर जी ऐसा वाकया ते पहले पेश नहीं आया, ये कैसा वाकया पेश होया ना। पाप पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मेरे सहाबा की गल है, फरमाया अल्लाह दे पाप पैगंबर जी तुसी साध दी कबर ते खड़े हो के अल्लाह दिया हमदा सनावा तरीफा बयान कीतियां ने। गल की है ना, मेरे पाप पैगंबर फरमाते ने, मेरे सहाबा ये ओ साध है ना जिंदे जनाजे दे नाल आसमान दे 70,000 नूरानी फरिश्ते उतरे ने, लेकिन कबर ने मेरे साध नू कुट लिया ना, कबर ने मेरे साध नू कुट लिया ना, कबर प्यार नाल साध नू मिली है ते कुट लिया। मैं अल्लाह दी हमदा सनावा तरीफा बयान कीतियां ने, कबर ने मेरे साध नू छड़ दिता है ना। फे ते पैगंबर दा सियाबी है ना, इनू कबर ने कुट लिया, फिर तू ते मैं किस बाग दी मूली, क्यों नहीं रब कोलो डरते पे, क्यों नहीं अपने गुनाहां दी सगफार करते पे, क्यों नहीं अपने रब दे कोलो गिड़गड़ा के मुआफियां मांगते पे, क्यों नहीं असी गुनाहां कोलो डर के ते पक्के सच्चे नमाजी बनते पे। ओए मुक्के जदो सा मिट्टी दा तू होना ऐ, मुके जदो सा मिट्टी दा तू होना है, बैखे फिर तेरे कोल सारिया ने रोना है। एक दिन सावां दिए डोर टुट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी, होके चुप चाप बूहा अखियां दा टोना ऐ, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ऐ। घर घर गल्लां तेरी मौत दियां जदों होनियां, वेख वेख तैनू अखां सब दियां रोनियां, कफन दे विच मुख अपना लखोना ऐ, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ऐ। ओए अज सारे सज्जन ते बेली छड़ी जाना वा, जिंदे विच रहिंदा सा हवेली छड़ी जाना वा, अल्लाह जाने नाल साडे अल्लाह जाने नाल तुआडे अगे की होना ऐ, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ऐ। वारी वारी लोकां तैनू कंधियां ते चुकना, उस वेले घर तैनू रख भी न सकना, किन्ना भी बचा आखर मिट्टियां दे थले आना ऐ, बह के कोल फिर सारियां ने रोना ऐ। मुके जदो सा मिट्टी दा तू होना ऐ, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ऐ। अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह जो कुछ सुने सुनाया अल्लाह मैनू और तुसानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।